हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, ये अगस्त 2019 तक का है। अगर आप हाल ही में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के उनको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है। श्री रामनाथ कोविंद। दोस्तों, ये अपने पद पर 25 जुलाई 2017 से बने हुए हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। क्रम वाइज इनकी बात करें तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, तो इनका क्रम भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों ये कौन है। श्री वेंकैया नायडू। 5 अगस्त 2017 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। इनके क्रम की बात करें तो ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव कौन है। अजय भादू। तो दोस्तों इन्हें भी आप ध्यान रखें, हमारे एग्ज़ाम में इन्हें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो 30 मई 2019 को इन्होंने दोबारा अपने पद पे शपथ ली। दोस्तों इनके क्रम की बात करें तो ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं पर्सन वाइज, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ओम बिरला। तो दोस्तों ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, तो इनका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे लोकसभा के महासचिव, ये कौन है। स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है हमारे लोकसभा के प्रोटम स्पीकर, तो ये कौन है। वीरेंद्र कुमार। तो ये जून 2019 से अपने पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, तो ये कौन है। डॉक्टर एम थम्बी दुरई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे राज्यसभा के सभापति, तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, तो ये कौन है। श्री एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति, तो दोस्तों ये कौन है। श्री हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव, तो ये कौन है। दीपक वर्मा। दोस्तों 1 सितंबर 2017 से ये अपने पद पर बने हुए हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे राज्यसभा के विपक्ष नेता, तो ये कौन है। गुलाम नबी आज़ाद, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख लें। नेक्स्ट हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों ये कौन है। रंजन गोगोई। तो दोस्तों ये 3 अक्टूबर 2018 से अपने पद पर बने हुए हैं, और इनके क्रम की बात करें तो ये 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये कौन है। सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट हमारे चुनाव आयुक्त, तो ये कौन कौन है। अशोक लावासा और सुशील चंद्रा, तो इनका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC, तो ये कौन है। सुधीर भार्गव, जो अपने पद पर 31 दिसंबर 2018 से बने हुए हैं। नेक्स्ट हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल, तो इनका नाम क्या है। तुषार मेहता, तो ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट हैं भारत के महान्यायवादी, तो ये आप सभी जानते होंगे के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दोस्तों ये कौन है। श्री राजीव महर्षि, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों ICC के अध्यक्ष, तो ये कौन है। शशांक मनोहर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार में कौन है। बालकृष्ण सुब्रमण्यम। दोस्तों इन्हें दोबारा अपॉइंटमेंट किया गया अपने पद के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये कौन है। HL दत्तू, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं हमारे
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष, तो ये कौन है? रेखा शर्मा। अगस्त 2018 से ये अपने पद पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक यानी बार के निदेशक कौन है दोस्तों? अजीत कुमार मोहंती। तो दोस्तों बार की आप फुल फॉर्म ध्यान रखें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष यानी इसरो के अध्यक्ष, तो ये कौन है दोस्तों? के शिवान। 10 जनवरी 2018 को ये अपॉइंटमेंट किए गए थे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अध्यक्ष यानी DRDO के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये कौन है? जी सतीश रेड्डी। दोस्तों अगस्त 2018 में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था इस पद के लिए। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक, तो दोस्तों ये कौन है? श्री बाईसी मोदी। तो दोस्तों 18 सितंबर 2018 को ये अपने पद पर अपॉइंटमेंट किए गए थे शरद कुमार के स्थान पर। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष यानी CBDT के, तो ये कौन है? PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। ये फरवरी 2019 में अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो उनका आप ध्यान रखें, हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर, तो दोस्तों ये कौन है? श्री शक्तिकांत दास। दोस्तों दिसंबर 2018 में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था, तो इनका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के यानी RBI के डिप्टी गवर्नर, तो दोस्तों इनका नाम क्या है? विश्वनाथन। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे वायुसेना अध्यक्ष, तो ये कौन है? एयर चीफ मार्शल BS धनाओ, तो इनका नाम ध्यान रखें। थल सेना के अध्यक्ष, तो ये कौन है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट देखते हैं नौसेना के अध्यक्ष, तो ये कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, इन्हें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष, तो इनका नाम क्या है? KN व्यास। चलिए दोस्तों और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के चेयरमैन, तो दोस्तों ये कौन है? शशांक मनोहर। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO, ये कौन है दोस्तों? मनु साहनी। तो इनका नाम ध्यान रखें, इनके आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA के अध्यक्ष, तो ये कौन है? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये कौन है? विक्रमजीत सिंह सहानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष, तो ये कौन है दोस्तों? श्री अरविंद सक्सेना। और इनका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा? 7/8/2020 तक ये अपने पद पर रहेंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो यानी कि IB के चीफ, तो ये कौन है दोस्तों? राजीव जैन। और दोस्तों ये कब अपॉइंटमेंट किए गए थे? 17 दिसंबर 2016 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख, तो कौन है दोस्तों? सामंत गोयल। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो दोस्तों इनका नाम क्या है? अरविंद कुमार। तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय गृह सचिव, तो ये कौन है? राजीव गाबा। नेक्स्ट देखते हैं वित्त सचिव, तो ये कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारे राजस्व सचिव, तो ये कौन है दोस्तों? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट देखते हैं विदेश सचिव, तो ये कौन है? विजय केशव गोखले। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो ये कौन है? BK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट हमारे 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये कौन है? बलवीर सिंह चौहान। नेक्स्ट हमारे SIDBI के चेयरमैन
प्रबंध निदेशक, तो दोस्तों इनका नाम क्या है, श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट हमारे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये कौन है, ए सूर्य प्रकाश। दोस्तों ये अपने पद पर फरवरी 2020 तक बने हुए हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष, आप सभी जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो दोस्तों इनका नाम क्या है, डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट है हमारे नीति आयोग के सीईओ, तो दोस्तों ये कौन है, श्री अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष, तो दोस्तों इनका नाम क्या है, ब्रजेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक यानी BSF के DG, तो दोस्तों इनका नाम क्या है, BK जौहरी। तो ये हमारे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट हमारे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, तो इनका नाम क्या है, अरुण कुमार। तो दोस्तों ये RPF के महानिदेशक हैं, अरुण कुमार। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक यानी CRPF के महानिदेशक, तो इनका नाम क्या है, राजीव राय भटनागर, और ये 30 जून 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक, तो इनका नाम क्या है, कुमार राजेश चंद्र। 31 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, तो इनका नाम क्या है, सैयद गयूर अल हसन रिजवी। नेक्स्ट हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इनका नाम क्या है, NK सिंह। दोस्तों बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम, तो उनका नाम है बाईवी रेड्डी, उनका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो इनका नाम क्या है, सामंत गोयल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लोकपाल प्रमुख, तो इनका नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों हमने इसमें लिया था अगस्त 2019 तक कौन क्या है, तो इसका आप ध्यान रखें। हाल ही में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता है आपको इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।